नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी सरगुजा संभाग में चुनाव प्रचार करने छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां जसपुर विधानसभा में राहुल गांधी ने चुनावी सभा ली। इस दौरान राहुल गांधी ने जसपुर के कांग्रेस प्रत्याशी विनय भगत के लिए वोट मांगे, साथ ही केंद्र सरकार समेत बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि पेन लेकर आप लोग लिख लो, किसानों की कर्जा माफ हमारी सरकार बनते ही होगी। पहले बीजेपी के लोग अपने भाषण में आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, सुना आपने? सुना? ये वनवासी और आदिवासी शब्द के बीच में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? ये आपको वनवासी क्यों कहते हैं, हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? इन शब्दों के पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक हुआ करते थे, जिनका हिंदुस्तान की जमीन पर अधिकार बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। तो सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं, जो आपका असली नाम है आदिवासी, उस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? पता नहीं आपने देखा या नहीं, मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था। आपने ये वीडियो देखा? देखा? देखा ना? आपने कभी किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? वीडियो देखा उसका? आपको नहीं दिखेगा। आप पूरे इंटरनेट को खोज लो, आपको कोई भी बीजेपी का नेता जानवर पर भी पेशाब करता हुआ नहीं दिखेगा, मगर आपको बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए दिखेगा। सही बात बोली? ये आपकी जो आपका जो इतिहास है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, इसको ये मिटा देना चाहते हैं, और इसलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। क्योंकि अगर वो आपको आदिवासी कहें तो फिर एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर ये आदिवासी हैं और ये हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं, जल के मालिक हैं, जंगल के मालिक हैं, तो इनको अधिकार मिलना चाहिए। कहें तो आपको अधिकार देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप पहले मालिक थे। ये जो जमीन है, पूरे हिंदुस्तान की जो जमीन है, आदिवासी शब्द का मतलब आप लोग इस जमीन के पुराने पहले मालिक थे। अगर आप लोग इस जमीन के पहले पुराने मालिक थे तो इस जमीन पर आपका हक होगा, होना ही पड़ेगा, जंगल पे हक होना ही पड़ेगा, जल पे हक होना ही पड़ेगा। मगर अगर आपको हमने वनवासी कहा तो आप कभी मालिक ही नहीं थे, आप तो जानवर जैसे जंगल में रहते हो, आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए, आपके बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, आपको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? आप तो जंगल में रहते हो।
जंगल में जानवर भी रहते हैं, जानवर के लिए कोई अस्पताल नहीं खोलता, जानवर के लिए कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं खोलता, तो फिर वनवासी के लिए क्यों खोले? यह है बीजेपी की सोच। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चिल्हाटी मस्तूरी में आम सभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपके मस्तूरी विधानसभा में आए, चुनाव अब 8 दिन बाद मतदान होना है, सब जन मन बना डरे हैं, किसान मन, मजदूर मन, दीदी बहनी मन, युवा साथी मन, सब मन बना ले है कि काला वोट डालना है। प्रथम चरण के चुनाव जब 20 विधानसभा को हुई, जब पूरा बस्तर के 12 विधानसभा हो, राजनांदगांव लोकसभा के 8 विधानसभा, 20 विधानसभा का मतदान तब से रही से। और संदेशा आते पिछले समय 20 में 17 जीते रहे हैं, ये वक्त कोनो सीट बाजे सबो कांग्रेस जीत गया है। एक मतलब का भी कि राजनांदगांव से रमन सिंह हार, 5 साल के अमर सरकार और 15 साल के भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह के सरकार, 15 साल में रमन सिंह पूरा प्रदेश में लूट मचाए रही थे, किसान ल ठगे के काम कर रही थे, मातारी बहनी मतलब राशन के नाम से ठगे के काम कर रही थे, नौजवान मतलब बेरोजगारी भत्ता के नाम से ठगत रही थे, आदिवासी और किसान के जमीन लौने पौने उद्योगपति मन के हाथ में बेचे काम कर रहे थे, पूरा प्रदेश के खदान ल चाहे लोहा खदान हो, कोयला खदान हो, सब बनाए जाते थे। हमारे सरकार है इस हमार रोक लगाए, आज लड़ाई ये है कि छत्तीसगढ़ के खदान ल बचाना है, छत्तीसगढ़ के उद्योग ल बचाना है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल संपदा ल बचाना है। तो एक तरफ लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ा थे, दिन किसान के, मजदूर के, गरीब के, महिला मन के, नौजवान मन के हित में फैसला करते, दूसर तरफ छत्तीसगढ़ के जत का खनिज संपदा है वो सब लग बीचे पर आतुर बैठे हैं। तो सवाल ये बात कहे छत्तीसगढ़ के खदान और छत्तीसगढ़ के फैक्ट्री बांचना चाहिए कि नहीं बांचना चाहिए, मैं आपसे सवाल करूं। गिद्ध निगाह लगाए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, कैसो करके हो, चाहे डरवा के हो, धमका के हो, कैसो करके हम आज पर सरकार बनाए ताकि ये सब खदान में लुटवा दें, अडानी कर। मतलब ये है कि यदि फूल छाप में, खोखमा छाप में कहूं वोट डाले तो सीधा सीधा अडानी फायदा हुई, और कहो पंजम वोट डाले तो किसान, मजदूर, हमर बहनी, नौजवान मन के हित हुई, फैसला आप मन के हाथ में। 5 साल केंद्र सरकार खूब अरंगा लगे, समर्थन मूल्य 1 रुपये कहूं ज्यादा देश किसान ला तो सब केंद्र सरकार के सहयोग दी जाए, चावल खरीदा तो बंद कर दी, मैं कह ते कुछ कर ले, लेकिन मोर नेता राहुल गांधी के मैं किसान ले जवाब दे रहा हूं 2500 रुपया से 1 पैसा कम नहीं हो, 1 पैसा अड़ंगा लगे धान ला हम नीलाम कर दे, वहां से 1900 रुपये हम ले रहे हैं, धान ला नीलाम करें 10,000 रुपये प्रति एकड़, राजीव गांधी किसान न्याय योजना दें, केंद्र सरकार के सामने झुके नहीं लेकिन किसान के हक ला दिला करें, ये कांग्रेस पार्टी सरकार। और उन्हें सुरता करो रमन सिंह से केरी से 2100 रुपये हम खरीदू, एको भाव खरीदे 2100 रुपये, 15 साल में कहा जन बता दो कांग्रेस भाव में खरीदे 2100, एक जन भी बता दो नहीं खरीदे ना,
आप कहा थे जब विजय ने कई सौ नहीं खरीदे थे, तीस सौ खरीदो था पदियाओ बोलो। अरे भाई एक दूध के जले भी है महीन तक फूक फूक के पीतेगा। बिलई के लिंक रोड कैंप टू स्थित हुकुमचंद हेमचंद थोक पटाखा स्टोर में इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। बता दें कि सुबह लगभग 6 बजे इस पटाखा व्यवसायी के घर, गोदाम और दुकानों पर जांच की गई। ईडी के अफसर भिलाई के पदम नगर स्थित धिंगानी फायर वर्क्स के संचालक सुरेश धिंगानी के घर पर 4 गाड़ियों में पहुंचे और कुछ देर पड़ताल और पूछताछ के बाद अफसर एक गाड़ी में कारोबारी के बेटे विवेक धिंगानी को लेकर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वे सभी वसुंधरा नगर स्थित गोदाम गए। जानकारी मिली कि भिलाई में पुलिस पेट्रोल पंप के सामने स्थित दुकान और पदम नगर स्थित घर पर कार्रवाई जारी है। प्रदेश के राजस्व मंत्री और कोरबा विधानसभा के कांग्रेसी प्रत्याशी जय सिंह अग्रवाल की सभा बीजेपी प्रत्याशी के घर के पास थी, जहां प्रत्याशी के भाई के साथ मिलकर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस सभा का विरोध करने का प्रयास किया गया, जिसमें वो असफल रहे। कांग्रेस के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस पार्षद और संगठन अन्य नेता कोहड़िया पहुंचे, जिन्हें भारी संख्या में देखकर बीजेपी के लोग वहां से चले गए। कोहड़िया में इसके कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी पैदा हुई। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोरबा क्षेत्र की जनता से इतना जबरदस्त भारी जन समर्थन देखने को पहली बार मिला है। और कोरबा क्षेत्र की जनता मेरे कामों से प्रभावित है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित है, और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है 5 साल में कोरबा का चहुंमुखी विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जो मेडिकल कॉलेज हों, हमर क्लिनिक हों, स्वामी आत्मन स्कूल हों, स्वामी आत्मन कॉलेज हों, रोडों का निर्माण, घर घर तक बिजली, हर घर तक पहुंच मार्ग, हर घर में पानी का कनेक्शन, हर घर में राशन कार्ड, मैंने तो बड़ी बड़ी मीटिंगों में पूछा है कि कहाँ क्या नहीं हुआ है। हर कोई यही बोलता है कि हमारा राशन कार्ड बन चुका है, बिजली का कनेक्शन मिल चुका है। खबर बालोद के दली राजहारा पुराना बाजार से है, जहां देव माइनिंग कार्यालय में ईडी ने अचानक छापेमारी की। छापेमारी के लिए ईडी के 10 से 12 वरिष्ठ अधिकारी 5 से 7 गाड़ियों में दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी के अधिकारियों से जानकारी मांगे जाने पर उन्होंने अभी कुछ भी बताए जाने से इनकार कर दिया। बालोद में ईडी की छापेमारी, देव माइनिंग कार्यालय में हुई छापेमारी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में 5 से 6 सालों से उड़ीसा प्रांत के कुम्हार मिट्टी के दिए बना रहे हैं, साथ ही भगवान की मूर्ति और अन्य सजावटी सामान टाउन क्लब और सिरसाहार चौक के पास बाजार में बेचते हैं। करीब 5 से 6 सालों से उड़ीसा प्रांत के कुम्हार खुद से बनाए हुए मिट्टी के दिए दीपावली, छठ पूजा, देव उठानी एकादशी, तुलसी विवाह जैसे त्योहारों में बेचने के लिए लाते हैं और यहां अच्छा खासा बाजार लगाते हैं। गाड़ी है देर खबर जगदलपुर से है, जहां पत्थरगुड़ा निवासी रामवती पिछले 2 दिनों से लापता हो गई हैं। वहीं आज दोपहर इंद्रावती के पुराने पुल के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना पुलिस ने लापता महिला के घर वालों को दी। तभी घर वालों ने शव को देखकर महिला को अपनी दादी होने की बात कही है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर पंचनामा के पश्चात शव को मर्चरी पहुंचा चुकी है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत SLRM सेंटर की स्थापना की है। इसी के तहत जगदलपुर के पुराना पुल के पास स्थित खड़क घाट में एक SLRM सेंटर का संचालन स्वच्छता दीदियों के द्वारा किया जाता है। SLRM सेंटर पुराने पुल खड़क घाट में गौवंश गेट बंद होने
से भूखे प्यासे दो दिनों से गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल गेट खुला रहा और गायें चरने के लिए सेंटर के अंदर थी। शाम को सेंटर के कर्मचारियों के गेट बंद कर चले जाने पर गाय अंदर रह गई। मतदान पर सभी अवकाश पर होने के कारण वे कार्य पर उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण गौवंश दो दिनों से अंदर भूखे प्यासे हैं। मीडिया की टीम सेंटर पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद था, जिम्मेदार सेंटर से नदारद थे। बस्तर में देर रात तक मतदान सामग्री जमा करने की कार्रवाई हुई, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम ने मतदान कर्मियों से चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाया है। इस अवसर पर सीईओ प्रकाश सर्वे और संयुक्त कलेक्टर मनोज बंजारे भी उपस्थित थे। जिले के चारों विधानसभा में मतदान दलों की वापसी शुरू हो गई है। आठ नवंबर की सुबह लगभग 4:30 बजे नेशनल हाईवे 30 बहीगांव के पास बोलेरो वाहन और ट्रक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। बता दें कि दुर्घटना में निर्वाचन कार्य से घर लौट रहे दो शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शिक्षक हरेंद्र उइके को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो बता दें कि इस दुर्घटना में दो शिक्षकों की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक शिक्षक घायल है। बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर में यह हादसा हुआ है, जिसमें एक घायल शिक्षक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।